गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, एज वी आर गोइंग थ्रू द चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड दैट हाउ द लिबरल नेशनलिस्ट रिवोल्टेड इन फ्रांस एंड व्हाट वाज द रिजल्ट. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, हाउ द जर्मनी यूनिफाइड एंड केम इन टू द मॉडर्न फॉर्म, केम इन टू द मॉडर्न नेशन स्टेट्स. It will be discussed today by us. So let's start. Before starting the unification of Germany, we should discuss something about the women's struggle, because in the previous video we have seen that the liberal nationalist protested and revolted in the France. So what were the conditions of women? How the women were struggling? The women were continuing struggling for their political rights. You know very well that women were not allowed for the voting rights, women are not any political rights. So the women were continue struggling. Issue of extending the political rights to women was a controversial. The liberal nationalists were also confused that the rights should be provided to the women or not. Some persons, some groups were ready to give some rights to the women, but the some members are not agree to provide equal rights to the women. So the women had formed their own political associations. Like the men, many women formed their own political association. By these political associations, the women were continue struggling, protesting and organize the movement for their political rights. अगर आप लोगों को याद होगा, जब हम लोग last year French Revolution पढ़ रहे थे, जब डिफरेंट क्लब्स की बात हुई थी, तो आपने ये भी पढ़ा था कि द वुमेन्स फाउंडेड सो मेनी पॉलिटिकल क्लब. लेटर द मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर क्लोज ऑल द पॉलिटिकल क्लब्स ऑफ द वुमेन. सो इन दिस वे मेनी पॉलिटिकल एसोसिएशंस वेयर फाउंड बाय द वुमेन्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. सेकेंड थिंग, द वुमेन्स फाउंडेड न्यूज पेपर एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डिमॉन्स्ट्रेशन. जहाँ कहीं भी डिमॉन्स्ट्रेशन होता था, प्रोटेस्ट होता था, वुमेन्स उसमें पार्टिसिपेट करती थी, पॉलिटिकल मीटिंग्स में हिस्सा लेती थी. उन्होंने अपने न्यूज़पेपर स्टार्ट किए जिसके द्वारा अदर वुमेन्स को मोटिवेट करती थी और अपने मूवमेंट्स में शामिल होने के लिए इंस्पायर करती थी. एंड वी हैव सीन इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट द वुमेन्स वी आर एडमिटेड ओनली एज ए विजिटर्स. वुमेन्स फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जब वुमेन्स गई तो ये वहाँ पर केवल एक विजिटर के रूप में, एक दर्शक के रूप में खड़ी रही. तो इससे हमें ये पता चलता है कि वुमेन्स का स्ट्रगल कंटिन्यू चल रहा था. अभी तक वुमेन्स को कोई पॉलिटिकल राइट्स जो है प्रोवाइड नहीं किया गया था. दिस इज द कंडीशंस ऑफ वुमेन ड्यूरिंग दिस स्ट्रगल. अब हम बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की. एज वी हैव सीन दैट इन 1848 इन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वॉज टोटली सप्रेस्ड बाई द मोनार्की एंड मिलिट्री एंड द लार्ज लैंड ओनर्स ऑफ द प्रसिया. दे आर नोन एज द जंकर्स. जंकर्स आर द लार्ज लैंड ओनर्स. तो जो लिबरल मूवमेंट था, लिबरल नेशनलिस्ट का जो मूवमेंट था, उसको जो है मोनार्क्स के द्वारा जो है और मिलिट्री की सहायता के उससे उसको सप्रेस कर दिया गया, मीन्स उसको ख़त्म कर दिया गया. और जो जर्मन नेशन के मॉडर्न फॉर्म में नेशन बनाने का जो सपना था लिबरल नेशनलिस्ट का, वो पूरा नहीं हो पाया. आफ्टर द फेलियर ऑफ द जर्मन नेशनल असेंबली, द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रसिया ऑटो वॉन बिस्मार्क टेक्स द लीड इन द जर्मन यूनिफिकेशन. इस रिवोल्ट के फेल होने के बाद जो प्रसियन चीफ मिनिस्टर थे ऑटो वॉन बिस्मार्क, ही टेक्स द लीड फॉर द जर्मन यूनिफिकेशन एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू मॉडर्न जर्मनी. बिकॉज ही लेट दिस मूवमेंट, ही लेट दिस वार टू यूनिफाइड द जर्मनी. जर्मनी को यूनिफाइड करने के लिए ऑटो वॉन बिस्मार्क एक लीडर के रूप में, एक एक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में आगे आया. और फाइनली विद द इफर्ट्स ऑफ ऑटो वॉन बिस्मार्क फाइनली द जर्मनी बिकेम यूनिफाइड. अब ये यूनिफिकेशन इतना आसान भी नहीं था, बिकॉज एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट द ऑल द कंट्रीज ऑफ दैट पीरियड इन यूरोप वी आर द पैचवर्क ऑफ मेनी डिफरेंट डायनेस्टीज. तो द ऑटो वॉन बिस्मार्क गॉट द सपोर्ट ऑफ आर्मी एंड ऑल्सो द ब्यूरोक्रेसी. यूनिफाइड करने के लिए उसने कूटनीति का सहारा लेते हुए
जो है कुछ कंट्रीज से हेल्प ली और जो ब्यूरोक्रेसी वहाँ पे थी कि और साथ साथ आर्मी का पूरा सपोर्ट उसने अचीव किया। उसके बाद फिर जो है वार स्टार्ट हुआ। ही प्लान द यूनिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ रशियन आर्मी एंड द ब्यूरोक्रेसी बिकॉज एट दैट टाइम ब्यूरोक्रेट वी आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। सो ऑटो वन बिस्मार्क नो वेरी वेल इफ वी विल नॉट गेट द सपोर्ट ऑफ ब्यूरोक्रेट और वी विल नॉट गेट द सपोर्ट ऑफ फुल आर्मी देन वी कैन नॉट यूनिफाइड द जर्मनी। तो पहले उसने जो है उन लोगों का सपोर्ट हासिल किया। आफ्टर दैट द वार स्टार्टेड। थ्री वार्स इन सेवन ईयर वी आर फॉट। तीन साल तीन वार सेवन ईयर्स के बीच में फॉट किए गए लड़े गए इसके साथ फ्रांस ऑस्ट्रिया एंड डेनमार्क। फ्रांस ऑस्ट्रिया और डेनमार्क इन तीनों कंट्रीज को डिफीट करने में सेवन ईयर्स लगे और तब जाकर के जो है जर्मन यूनिफाइड हो पाया। इन सबको बाहर करने के बाद इन सबको डिफीट करने के बाद जर्मन यूनिफाइड हुआ। फाइनली द प्रोसेस वाज कंप्लीटेड विद द क्राउनिंग ऑफ केसर विलियम फर्स्ट एज द किंग ऑफ जर्मनी इन 1871। फाइनली इन 1871 केसर विलियम फर्स्ट वी आर सेलेक्टेड एज ए इम्परर ऑफ यूनिफाइड जर्मनी। ऑन 18 जनवरी 1871 एन असेंबली गैदर्ड इन द हॉल ऑफ मिरर्स इन द पैलेस ऑफ वर्साइल्स। इन दिस असेंबली ऑल द इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स ऑफ प्रसिया मिनिस्टर्स राइट आर्मी रिप्रेजेंटेटिव्स प्लस जो प्रिंसेस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ जर्मन कन्फेडरेशन द प्रिंसेस ऑफ जर्मन कन्फेडरेशन द आर्मी रिप्रेजेंटेटिव्स इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स विद ऑटो वन बिस्मार्क ऑल दीज पीपल असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ मिरर्स इन पैलेस ऑफ वर्साइल्स। हियर दे प्रोक्लेम द न्यू जर्मन एम्पायर हेडेड बाई केसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रसिया। इन दिस हॉल ऑफ मिरर्स फाइनली ही वॉज proclaimed as the emperor of unified Germany. Here you can see the figure of that period. This is the Hall of Mirrors figure where the Kaiser William is appointed as the emperor of unified Germany. After the unification of Germany, it affected the whole Europe because Germany started to in this unification, the Prussia played an important role. So the Prussian dominance increased in whole Europe. Some more changes done by the new government because you know very well that at that time the in different states the problem of currency, so many currencies, banking system were not very well, legal and judicial system were not good, transport and communication problem and problems faced by the new traders and businessmen. So the new unified Germany emperor Kaiser William first he started to took the steps to remove all these problems and Otto von Bismarck we are selected as the chancellor of new German. He was got as a reward you can say he became the chancellor jo usne German unification mein work kiya tha jo sabse important role play kiya tha to uske aap reward ke roop mein keh sakte hain ki usko jo hai unified Germany ka chancellor appoint kiya gaya and later with the direction of Otto von Bismarck and the cooperation of German Emperor Kaiser William first. Finally, the steps were taken to improve the banking system, legal and judicial system and also the currency. And he also introduced the improvement in transport and the trade system. In this way, Germany became unified and the unification of Germany inspired other countries, other European countries for the unification and it is the turning point in the history of Europe. A country German the confederation of 39 states now unified with one ruler one common identity and single leadership. Isse pehle different dynasties different rulers to wo utne effective nahi tha aur unified hone ke baad Germany ki importance aur uska role Europe mein dheere dheere badhne laga. So let's this is the today's video. Now this is the assignment based on today's video. Who was Otto von Bismarck? Ye kaun tha?
who was proclaimed the emperor of united germany. Unified होने के बाद जर्मनी का emperor किसको appoint किया गया, under whom the, sorry this question is not five, इस question को कट कर दीजिएगा. Briefly explain the process of unification of Germany. So you have to do only three questions, right? In the next video, we will discuss about the unification of Italy. Thank you. Have a nice day.